नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A77 2022 वर्सेस Samsung Galaxy A33 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A77 2022 में 6.44 इंच जबकि Galaxy A33 5G में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 77/2022 से कम है। विड्थ की बात करें तो A77 2022 में 2.95 इंच जबकि Galaxy A33 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 77/2022 से कम है। बात करें थिकनेस की तो A77 2022 में 0.31 इंच जबकि Galaxy A33 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो A77 2022 में 187 ग्राम्स जबकि Galaxy A33 5G में 186 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A77 2022 में IPS LCD जबकि Galaxy A33 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A77 2022 में 20:1:9 जबकि Galaxy A33 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A77 2022 में 6.56 इंचेस जबकि Galaxy A33 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A77 2022 में 720x1612 और Galaxy A33 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A77 2022 में 84.62% जबकि Galaxy A33 5G में 83.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A77 2022 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy A33 5G में 411 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 77/2022 में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और गैलेक्सी A33 5G की बात करें तो इसमें चार कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A77 2022 में पावर GE8320 जबकि Galaxy A33 5G में Mali G68 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A77 2022 में MediaTek Helio G35 और Galaxy A33 5G में Samsung Exynos 1280 मिलता है। बात करें RAM की तो A77 2022 में 4GB जबकि Galaxy A33 5G में 6GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A77 2022 में 64GB जबकि Galaxy A33 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A77 2022 में 2 कलर्स जबकि Galaxy A33 5G में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A77 2022 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Galaxy A33 5G की तो वो 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Oppo A77 2022 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A33 5G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy A33 5G आगे है, मेन कैमरा में 77-2022 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy A33 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M13 5G है, तीसरा Tecno Camon 19 Neo है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Power Neo है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।